जो सरकार का काम है वो अगर वो कर रहे हैं तो तमाम ऐसे महापुरुष हैं उनसे अच्छा काम किए हैं, तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो इतिहास में गुम हैं, जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए काम किया है, वो चीज उनको भी उजागर करके ले आना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी लगभग एक साल का वक्त बचा हो लेकिन 24 को लेकर सभी सियासी दल बिसात बिछाने में जुट गए और अब तो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया जिसने सियासी पारे को और गर्म कर दिया है। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पीएम पद को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने 24 में दलित प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर अपनी पहली पसंद मायावती को बताया और कहा कि अगर मायावती पर आम सहमति नहीं बनती है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित है। यही नहीं, ओपी राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को तीसरा मोर्चे की जगह दूसरा मोर्चा बनाने की नसीहत दी है। जो इस तरह लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई ईडी से डर रहा है, कोई सीबीआई से डर रहा है, तो कोई फर्जी मुकदमे की बात करता है, तो ये जितने लोग हैं तो तीसरा मोर्चा क्यों बना रहे हैं भाई? दूसरा मोर्चा बनाओ। अरे दूसरा बनाना ही तीसरा बनाने लगे, और तीसरा मोर्चा ऐसा बना रहे हो कि जो आपको 10 वोट भी नहीं दिला सकता, तो आप दूसरा मोर्चा बनाओ। दूसरा मोर्चा में सब लोग तय कर लो। नहीं बात अगर समझ में आती है तो दो ही चेहरे हैं यूपी में, सबसे बढ़िया लीडर मायावती जी को हम देखते हैं, और देश की राजनीति में अगर मायावती जी नहीं पसंद है तो खड़गे जी को पकड़ लो, वो भी दलित है, उन्हीं को मान लो, किसी को मान के लड़ो, लेकिन सब लोग एक होकर लड़ो। और सब लोग अगर अलग अलग लड़ोगे तो कहीं लड़ाई नहीं है, जो नहीं चिल्ला रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह को मिले पद विभूषण को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। राजभर ने कहा कि मुलायम सिंह से भी अच्छा काम करने वाले महापुरुष हैं जो इतिहास में गुम है। वीडियो पैदा नहीं हुआ तो उसे तीसरा का नाम रख दिए। मुलायम सिंह जी को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, कैसे देखते हैं? कितना सरकार का काम है वो अगर वो कर रहे हैं तो तमाम ऐसे महापुरुष हैं उनसे अच्छा काम किए हैं। जैसे राजभर महाराजा सुहेल देव जी की अगर हम बात करें, देश को गुलाम होने से बचाया, इतिहास है ना, देश की एकता अखंडता को कायम किया। अगर हम तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो इतिहास में गुम हैं, जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए काम किया है, वो चीज उनको भी उजागर करके ले आना चाहिए। लंबे समय के बाद जब कांसीराम जी ने संघर्ष किया तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई, जो देश के लिए संविधान दिया, देश के लिए मर मिटा, समाज के लिए काम किया। जब तक कांसीराम जी नहीं आए थे तब तक बाबा साहब किसी को याद नहीं आ रहे थे। सुहेल और राजभर के लिए क्या मांग करेंगे? 100% हम लोग तो लड़ ही रहे हैं महाराज। नहीं, उनको उनको सम्मान देने के लिए सरकार को हम लोग प्रस्ताव तक दे चुके हैं। अब सरकार का काम है, हमारा तो काम है नहीं।